राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के साल 2022-23 के ऑनलाइन आवेदन 5-6 जून से शुरू होंगे। आवेदन ई मित्र के जरिए भरे जा सकेंगे। आवेदन के लिए जन आधार कार्ड जरूरी होगा। इस साल पहली बार वृद्धाश्रम के बुजुर्ग और दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक भी तीर्थ पर जा सकेंगे। 60 साल से अधिक उम्र के दिव्यांग सहायक ले जा सकेंगे। इसके अलावा पति और पत्नी में से किसी एक के आवेदन करने पर दोनों को पात्र माना जाएगा। यह निर्णय देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना सलाहकार समिति की बैठक में लिए। सितंबर अक्टूबर से शुरू होने वाली यात्रा की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5-6 जून से शुरू होगी। जिन व्यक्तियों की आयु 1 अप्रैल 2022 तक 60 वर्ष पूरी हो गई है या 1 अप्रैल 1962 से पहले जिनका जन्म हुआ है, वे लाभ ले सकेंगे। इधर दिव्यांग अधिकार महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत भाई गोयल के दायर परिवार पर संज्ञान देते हुए दिव्यांगजनों को भी तीर्थ यात्रा में शामिल करने के 11 अक्टूबर 2019 को विशेष योग्यजन आयुक्त ने शासन सचिव देवस्थान विभाग को निर्देश दिए थे। बजट घोषणा में इस बार इस योजना के लिए 13 करोड़ से बजट बढ़ाकर 30 करोड़ किया है। यात्रा के लिए 2011 की जनसंख्या के आधार पर जिलों के लिए अनुपातिक कोटा निर्धारित किया है। यात्रा में देश के 12 तीर्थ स्थलों के ट्रेन से और 1 हवाई तीर्थ नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ का भ्रमण करवाया जाएगा। यात्रा में पहली बार 20,000 यात्रियों को तीर्थ कराया जाएगा। इनमें से 18,000 यात्रियों को ट्रेन व 2,000 यात्रियों को फ्लाइट से तीर्थ स्थल ले जाया जाएगा। 2019 तक ट्रेन और फ्लाइट से 5-5 हजार यात्रियों को तीर्थ दर्शन कराया जा रहा था।